नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में सेना के जवानों के बीच पहुंचकर चीन को दो टूक संदेश दे दिया है कि सुधर जाओ वरना सिधर जाओगे। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। पीएम मोदी ने लेह से चीन को सीधे समझाइश दी थी कि टक्कर लोगे तो सिर्फ मायूसी ही हाथ लगेगी, क्योंकि गलवान में भारतीय सैनिकों ने चीन का जो हाल किया उसके बाद दुनिया भर में चीन की थू-थू हो रही है। और अब राजनाथ सिंह ने सीधा चीन की तरफ बंदूक का निशाना लगाकर चीन को चेता दिया है कि बंदूक और तोपों की नली सीधे दुश्मन के सीने की तरफ है, एक हरकत और तबाही का मंजर शुरू हो जाएगा। आसमान में गड़गड़ाते वायु वीरों के एयरक्राफ्ट पहले ही चीन में दहशत का पर्याय बने हैं और अब राजनाथ सिंह ने एलएसी के पास जाकर चीन की धड़कनें और तेज कर दी हैं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उनके साथ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद है। राजनाथ सिंह सबसे पहले लेह पहुंचे हैं। यहां स्टाकना में सेना पैरा ड्रॉपिंग का अभ्यास कर रही है जिसका राजनाथ सिंह ने मुआयना किया। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की अत्याधुनिक राइफल उठाई और सीधे चीन की तरफ राइफल की नली कर निशाना साध दिया। इस दौरान सेना प्रमुख नरवणे ने उनकी मदद की। इससे पहले राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके लिखा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर की 2 दिवसीय यात्रा पर लेह के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। मैं सीमाओं पर स्थिति की समीक्षा करने के लिए फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा करूंगा और सशस्त्र बल के जवानों के साथ भी बातचीत करूंगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान एलओसी के पार से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है और चीन ने हाल के दिनों में भारत और उसके पूर्वी पड़ोसी के बीच तनाव को बढ़ाते हुए लद्दाख क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है। इन सब के बीच राजनाथ सिंह का एलएसी और एलओसी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राजनाथ के इस दौरे के बाद जहां चीन के होश उड़े हुए हैं तो पाकिस्तान भी सदमे में है, क्योंकि उसे पहले ही डर सता रहा है कि पीओके पर भारत आक्रमण कर उसे पाकिस्तान से मुक्त न करा ले। तो ये रही राजनाथ सिंह के हालिया दौरे की खबर। इससे जुड़ा हर अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।